अगर कोई ये समझ रहे हैं कि अपने 9 साल इख्तदार में उन्होंने हमारे हौसलों को कमजोर करने में कामयाबी हासिल की तो वो अहमक है। 9 साल क्या, 90 साल भी अगर तुम्हारी हुकूमत रहेगी तो हमारे हौसलों में कमी नहीं आएगी, हमारे अज़्म में कमी नहीं आएगी, हमारे ईमान में कमजोरी नहीं आएगी, हमारे हिम्मतों में कमजोरी नहीं आएगी। ये ख्वाब वो ख्वाब है जो किसी के मिटाने से नहीं मिटती। ये ख्वाब वो है अगर कोई मिटाने की कोशिश करता है तो हम एक नए अज़्म के साथ, नए हौसले के साथ, नए इरादों के साथ उठते हैं। और ये दारुस्सलाम और ये इमारत उन्हीं हौसलों, उसी अज़्म, उसी हिम्मत और उसी ईमान की निशानी है कि हमारा हौसला न कभी कम हुआ न कभी कमजोर हुआ। याद रखो, दुश्मन की कोशिश यही है कि अपने मंसूबों, अपनी साजिश और अपने जुल्म के जरिए हमारे अज़्म को कमजोर कर दे। दुश्मन की यही ख्वाहिश है कि वो जुल्म के जरिए हमारे हौसलों को कमजोर कर दे। दुश्मन की यही मंसूबा है कि वो अपने इख्तदार की ताकत के जरिए हमारे ईमान को कमजोर कर दे। तो आज आपका हमारा ईमानी तकाजा है कि हम अपने दुश्मनों को उनके मकासिद में कामयाब होने न दें, और अगर हमको उनके मकासिद में नाकाम करना है तो हमको अपनी जिंदगी में एक नई कामयाबियों को लाना होगा, नए इनकलाबी तब्दीलियों को लाना होगा, अपने जिंदगी में एक नए उजालों को लाना होगा।